हेलो इंजीनियर्स, दिस इज ओपर शांति। तो आज आपके लाए हैं सीएनसी मशीन। तो ये जो सीएनसी मशीन आप देख रहे हैं, ये आसानी से आप खुद घर पे बना सकते हैं, जो कि इसको खरीदने की जरूरत नहीं। और इसका जो सर्किट डायग्राम सब कुछ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही इसको कैसे बनाया है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं इस वीडियो को। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। सीएनसी मशीन का जो मैकेनिकल है वो तो कंप्लीट हो गया है। अभी इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो गड़बड़ फाइल है। और इस पर हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तीन ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ये तीन मोटर के लिए, ठीक है। ये जो आप स्टेपर मोटर देख रहे हैं, इस स्टेपर मोटर का ड्राइवर, तीन ड्राइवर हम लोग इस पर फिट करेंगे, और आर्डिनो को फिट करेंगे, जो कि आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग डालेंगे और ये काम करेगा। तो अभी चलिए इसको फिट करके, ये जो ड्राइवर है इसको डाल के इसके बाद इस पर फिट करते हैं। Thank you.
सबसे पहले हम लोग आर्डिनो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर हम लोग फाइल पे जाएंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे, और जो कि जो फाइल हमने इस पे अपलोड किया है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो इसका नाम है GRBL। तो GRBL आप जो कि इसका जो लाइब्रेरी है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद ये आपको आ जाएगा। तो GRBL अपलोड पे क्लिक करेंगे, करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद नीचे आपको दिखाया दे रहा है जो कि लाइब्रेरी का जो कि हेडर फाइल, तो इसको हम लोग जस्ट अपलोड कर देंगे। तो अपलोड पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो इस जो आर्डिनो है, इस आर्डिनो पे ये अपलोड करेंगे। करने के बाद इसी आर्डिनो पे जैक को लगा के इसका जो कि DC 24 वोल्ट इस पे देना पड़ेगा। देने के बाद जब भी इस पर हम लोग कोई जो सॉफ्टवेयर डालेंगे, मतलब कोई चीज डालेंगे काटने के लिए, वही डिजाइन से ये काटेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से इसके पीछे हमने इस सर्किट को लगाया है। तो इसी सर्किट के माध्यम से हम लोग जो कि जो भी हम लोग इस पे डालेंगे वो ये आसानी से काट लेगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसका जो केबल है, केबल कंप्यूटर पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद इस पर देखिए इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग मतलब ये कम्प्लीटली ओके है। तो अभी हम लोग इसका जो ड्राइवर है, जो आर्डिनो का ड्राइवर है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इस ड्राइवर पे हम लोग जाएंगे, जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं USB। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप लोग दिखा रखा है, तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इस पर देंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा ड्राइवर, ठीक है। तो अभी ड्राइवर सेट हो गया है। अभी ड्राइवर सेट होने के बाद इसका जो पहले वाला है ये लेजर, इसको हम लोग खोलेंगे। तो लीट फायर, इसको हम लोग EXE को क्लिक करके हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो देखिए ये स्टार्टिंग हो गया है, और इस पर डिफॉल्ट आप लोगों को ये पिक्चर दे रखा है। आप अगर राइटिंग करेंगे, पिक्चर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये लेजर का है, ठीक है। तो इसका जो डिवाइस सेटिंग है इस पर जाएंगे हम लोग, जाके इसका जो सेटिंग है वो करेंगे। तो सेटिंग पे क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स पे हम लोग क्लिक, इसमें ऑलरेडी है और इस पर है और इस पर है, ठीक है। तो इस तीनों पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो Y को छोड़ के सभी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और ये जो यूजेस पेन ड्रॉ मशीन देख रहे हैं, इसका जो थ्रिल हमने लिखा है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये कितना नीचे जाएगा, कितना डीपली आप लोगों को राइटिंग करके देखा, वो इस पर डिपेंड करता है 3 पे, ठीक है। अगर आप 5 देंगे तो 5 मिलीमीटर ये नीचे जाएगा, अगर 6 देंगे तो 6 मिलीमीटर नीचे जाएगा। तो मैंने इस पर 3 दे दिया, मतलब 3 मिलीमीटर ये नीचे जाएगा। तो अभी सेव सेटिंग, तो सेव सेटिंग देने के बाद आप लोग NC सेंटर पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप लोग अगर देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कांति, ठीक है, मेरा नाम है। तो इस पर क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के बाद इस पर देखिए कांति आ गया है। अगर इस पर जो आप 100 है इसको आप लिखेंगे, अगर 10 लिखेंगे, लिखकर अगर क्रिएट करेंगे तो देखिए कांति का नाम किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे। तो अभी ये कम्प्लीटली हो गया है। तो अभी इसको एक्सपोर्ट NC फाइल करेंगे। तो एक्सपोर्ट NC फाइल करके हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो इस पर CNC लिख के हम लोग सेव करेंगे। तो अभी हम लोग सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। CNC ऑलरेडी है, मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ। तो चलिए मैं कांति लिख रहा हूँ, सेव। तो अभी सेव हो गए हैं, देखिए यहाँ पे NC करके एक फाइल आ गया है। तो अभी इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्लोज होने के बाद अभी हम लोग खोलेंगे क्या, ये जो CNC मशीन है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इस पर देखिए GRBL कंट्रोल, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और GRBL कंट्रोल को ओपन करेंगे। करने के बाद अभी ये स्टार्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिक ले लिया। अगर ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो सर्विस पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, इसका जो कॉमन पोर्ट है 4, तो 4 पे ये ऑलरेडी है, इसलिए 4 हम लोग दे देंगे। देखिए ओके, तो अभी हो गया है। तो अभी जो फाइल हमने सेव किया है उसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन, तो देखिए फाइल डेस्कटॉप पे हमने रखा है, तो कांति करके ये रहा कांति NC। तो अभी देखिए आ गया है जो राइटिंग किया है हमने।
तो इसको अगर कर्व करके देखेंगे तो देखिए इसका डीप कितना डीप होगा। तो देखिए ये जो ऊपर का लेवल है पेन का और नीचे का लेवल ये वाला है, तो इतना नीचे ये जाएगा, डीप ये होगा। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिंडल, हम लोग इसको 600 करेंगे, तो 600 कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये चेकिंग के लिए, जो जो मोटर है वो चेकिंग के लिए। तो ऊपर की तरफ हम लोग देंगे तो ऊपर की तरफ ये चला गया है, नीचे की तरफ आ गया है नीचे का सरफेस। और अभी हम लोग साइड, तो साइड भी ठीक है, देखिए साइड में जा रहा है, ऊपर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये टोटली कंप्लीट है। तो अभी हम लोग 600 करके ये जो स्पिंडल आप देख रहे हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे, तो क्लिक कर दिया तो अभी देखिए मोटर स्टार्ट हो गया है। और अभी ये जो फाइल अपने लिखा है ये फाइल को सेंड करेंगे, तो ये वाला सेंड क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसमें लिखा आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए इतना काम हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह ये काम करता है, तो इसको अभी हम लोग पुश कर सकते हैं और एबोर्ट कर सकते हैं, तो एबोर्ट कर देंगे तो अभी ये स्टॉप हो गया है। तो इस तरह हम लोग सॉफ्टवेयर से सीएनसी मशीन को चला सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से ये मशीन हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।